smiles, billions of lives. All the comfort Indian Army sacrifices. They serve the country with glory and passion. You are safe when you sleep, you are safe when you rise. Shayad shab comfort jaye. Agar hum Army aur uske yogdaan ki baat kare. Army chahe kisi bhi country ki ho, kisi bhi desh ki ho, chahe koi bhi Army ho. Hardly matters territorial Army hai, naval hai, ya phir koi bhi air force hai. Har Army ka ek alag yogdaan hota hai. पहनने को कपड़ा है, सर पे छत है, खाने को रोटी है, पीने को पानी है, लेकिन क्या फायदा इन सब चीजों का जब दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो। जब दिमाग में दहशत होगी तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं। और इस दहशत से दूर रखती है हमें कौन? हमारी इंडियन आर्मी। ये तो रही कहने की बातें, अब मैं आप लोगों की असलियत से वाकिफ कराती हूँ। इन सब चीजों पे सोने का सुहागा तब होता है जब हम लोग अपने देश के जवानों द्वारा दी गई कुर्बानियों को भूल जाते हैं। आप लोग गौर फरमाइए, जरा अपने दिल में सोचिए, अगर एक क्रिकेटर ने 10 साल पहले एक सेंचुरी बनाई होगी, एक मैच जीता होगा, ऑल ऑफ यू जितना हमारा यूथ है, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को वो याद रहेगा। इनफैक्ट अगले 10 सालों तक आप कभी नहीं भूलेंगे, हाँ यार उसने वो सेंचुरी बनाई थी, वो इतना ग्रेट प्लेयर था। बट क्या हमारे यूथ में से, स्पेशली हमारा यूथ, आप में से किसी को याद है कि कौन से जवान ने कौन से टाइम पे कुर्बानी दी थी? जी नहीं, हम लोगों को बस एक ही है, दो दिन बना दिए, हाँ ये दो दिन है हम लोगों को इस दिन जवानों को याद करने, दैट्स इट, आपकी ड्यूटी खत्म। बाकी आप कभी याद नहीं करते कि हमारे जवान कहाँ थे, आप उनकी फैमिलीज तक को नहीं पहचानेंगे, आई एम डैम श्योर। तो इंडियन आर्मी के लिए जब हम लोग इंडियन आर्मी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, मार्टियर्स डे हो, तो हम वही 3-4 दिन इंडियन आर्मी को याद करें। और रैंडम डे फॉर द इंडियन आर्मी मेन, ये सब बच्चे केसी किड स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आपके लिए कुछ पेशकश लाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज इनके साथ, इनके लिए जोर से तालियां, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। थैंक यू।